गाइज अगर अपनी तैयारी अन एकेडमी प्लस से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अन एकेडमी की तरफ से सबसे बेस्ट बैच को एक बार फिर से लॉन्च कर दी गई है। लक्ष्य बैच है एनडीए 2 के लिए, जो कि कंप्लीट बैच रहेगा दोस्तों। इंडिया के नंबर वन एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार किया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 सर लोग हैं जो कि अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मतलब सारे टॉपिक को कवर कराएंगे, है ना। और ये बैच हम लोग का आज से स्टार्ट है, यानी कि 21 तारीख से। तो इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। एक और हम लोग का बैच है लक्ष्य बेलगाम करके है, जो कि ये है हम लोग का एयरफोर्स के लिए। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार कर दिया गया है, जो कि ये स्टार्ट है आपका 15 अप्रैल से। अगर आप चाहें तो इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इनरोल कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, अब आपको चूज करना होगा कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मेरे को 3 महीने का लेना है, 6 महीने का, उस पर हम क्लिक कर देंगे। एक आपको कोड डालना होगा GZT10 10% डिस्काउंट के लिए। अब जैसे आप डाल दीजिएगा, फाइनल प्राइस इस तरह का पड़ेगा, 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5760, इस तरह का मिल जाएगा, है ना। तो कुछ करना नहीं, कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा GZT10 10% डिस्काउंट के लिए। और 3 महीने से लेंगे तो आपको रिडीम करने का ऑप्शन भी आएगा, 20% भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बढ़िया है, जाइए जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, और क्यूज कैसे लगाते हैं तो आपको पता है, डेली मैं बता ही देता हूं। तो आज ही अपने मोबाइल में अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा भी क्लासेस वहां पे आती है डेली का डेली। डेली 4 क्लासेस, नेवी, MR, SSR, AA, एयरफोर्स, XY, नाविक, DVGD के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है। मेरा भी अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉलो मी अन एकेडमी करका, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी, एयरफोर्स, MR, SSR, AA से रिलेटेड GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। ये है पहला क्वेश्चन, ये कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए भगवान विष्णु को, ऑप्शन बी जैन तीर्थकर को, ऑप्शन सी भगवान शिव जी को और ऑप्शन डी भगवान बुद्ध को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, जैन तीर्थकर को समर्पित किया गया है। जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो आपको जैन तीर्थकर को समर्पित किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बहाई, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी यहूदी और ऑप्शन डी हिंदू। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बहाई हो जाएगा, ठीक है। जो दिल्ली में स्थित आपको लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो आपको बहाई से संबंधित है। तो ये आपको याद रखने होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध त्रिपाल मंदिर कहां अवस्थित है। ऑप्शन ए में है हम्पी, ऑप्शन बी चिदंबरम, ऑप्शन सी भद्राचलम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा राइट आंसर। जो प्रसिद्ध त्रिपाल मंदिर है वो आपको हम्पी में स्थित है, कहां पर स्थित है, हम्पी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मामा भाजा का मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए बारसूर, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी में है औरंग और ऑप्शन डी ताला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, बारसूर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो मामा भाजा का मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपको बारसूर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है। ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो सबसे ज्यादा मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना होगा।
आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिक्स नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी कोलकाता। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितने तैयारी में है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेवन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहां स्थित है। विश्व विख्यात यानी पूरे वर्ल्ड की विख्यात है ये रॉक गार्डन, जो कि कहां पर स्थित है। तो ये आपको कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कोलकाता में स्थित है। कहां पर, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास एट नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो सेवन है ना, ये विश्व विख्यात जो रॉक गार्डन है ये आपको कोलकाता में नहीं बल्कि ये आपको यहाँ पे चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये सॉरी ये गलत आंसर हो गया, ये आपको चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे पास एट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए में क्या है, अकबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास नाइन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया। ये ही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये सब सवालों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में बाबर है, हुमायूं है, शाहजहां है और अकबर है, ये ऑप्शन देखते आपको पता चल जाता होगा कि ये बाबर, ये हुमायूं, ये क्या ऑप्शन है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल ये कि दिल्ली में जो स्थित लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था, क्योंकि लाल किला आप सभी लोगों ने जानते हैं, लाल किला के नाम आप सभी लोग जानते हैं कि लाल किला कहां पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। पर सवाल हमारे पास क्या है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, शाहजहां हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो लाल किला दिल्ली में स्थित है उसका जो निर्माण कार्य है वो शाहजहां ने ही करवाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास टेन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना होगा। ठीक है, कौन सा स्थान जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन ए कोडांगू, ऑप्शन बी में है बोरांग, ऑप्शन सी कोशानी और ऑप्शन डी ऊटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कौन, कौशानी हो जाएगा राइट आंसर, जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, ये अभी हाल ही में मनाया गया है, 10 नवंबर को। कब मनाया गया है, 10 नवंबर को मनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये तो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, लेकिन आपको विश्व विज्ञान दिवस ये आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विश्व विज्ञान ये आपको कितने मनाया, 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, तो इस बार जो ये दिवस मनाई गई थी इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, तो थीम भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास जो 5 नवंबर है, तो 5 नवंबर को मनाया गया हमारे पास वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। क्या, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये आपको मनाया गया है 5 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कंज्यूमर कैंसर अवेयरनेस डे। क्या, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये आपको 7 नवंबर को मनाया गया है। जबकि 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे। कौन सा दिवस, लीगल सर्विस डे, ये आपको 9 नवंबर को मनाया गया है। तो ये सारे आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में
ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो देखिए ये भी हाल ही में, मैंने ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम है जिस तरह से आपको पेपर अब पूछा जाता है करंट का, वो उसमें सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर नहीं होते, बल्कि जो करंट का सवाल होता है आपको 6 महीने के अंदर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर जो भी आपके पास सवाल है उन सभी सवालों का आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, तो सवाल हमारे पास 12 नंबर ये कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों को महिला को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो देखिए अभी हाल ही में हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये चर्च में क्यों है? तो आपने जो ग्रीन सैनिकों को COVID-19 के खिलाफ बीमार यानी जो होता है बीमा कवर कराने के लिए, जो बीमार कवर जो बीमा होता है उसको प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो पहला रिजर्व जो बना है, रिजर्व बैंक जो बन गया है, और इसलिए ये चर्च में रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जबकि राज्यपाल कौन है? तो ये है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में MCC फाउंडेशन के संरक्षण कौन बने हैं? तो देखिए MCC के नए संरक्षण ये अभी हाल ही में बन गए हैं, वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग। कौन बने हैं? वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, और इसी के संरक्षक बनाए गए हैं माइकल होल्डिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन को पर है कि भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल स्पेशन जो ब्रिज है जिसका नाम क्या है? डोबरा चांडी। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। कहां पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल जिले में इस स्पेस सीन ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्हीं के द्वारा ये टोटल 725 मीटर लंबा, कितने 725 मीटर लंबा पुल है जो कि 2.95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और देखिए जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का ये पहला राज्य भी बना है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये जो सारे सवाल है ना ये आपके एग्जाम के जो एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से ये सारे सवाल है। ठीक है, तो सवाल हमारे पास क्या है कि हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं HDFC बैंक के। कौन से बैंक के? HDFC बैंक के सूचना अधिकारी बन गए हैं। अब यहाँ पे हम HDFC बैंक के बारे में डिस्कस करें, तो इसके स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम इसके नए CEO कौन है? तो ये अभी हाल ही में बनाए गए शशिधर जगदीशन, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 यानी 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर्स पर
आपको रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ट्रांसजेंडर पर आधारित ये किताब, जिसका नाम क्या है, रसाथी, जो कि लिखी गई है ससिंद्रन, आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए नाम, क्योंकि नाम बहुत ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ससिंद्रन केली केन, ठीक है? तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 18 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कौन भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो देखिए, ये जो है, ये सवाल आपको ऐसे तो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये करंट का भी सवाल है, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन के सलाहकार समिति में ये अभी हाल ही में शामिल की गई है विदिशा मैत्रा को। किसको? विदिशा मैत्रा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और इन्हें यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक और बजटी जो प्रश्न के सलाहकार समिति के शामिल यानी किया गया है, और नाम क्या है, विदिशा मैत्रा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में स्थित है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन की ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो ये है 193, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास 19 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपके यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य में इस साल हॉर्निबल फेस्टिवल वर्चुअली मनाया जाएगा? ये सवाल क्या है, करंट का ही सवाल है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से रखना होगा, ठीक है? तो देखिए, COVID-19 के कारण ये वर्चुअली मनाया जाएगा नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाएगा, नागालैंड में मनाया जाएगा, ठीक है? तो देखिए, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल भी है नागालैंड की, हॉर्नबिल फेस्टिवल, या इसी फेस्टिवल को, जो ये फेस्टिवल है इसको हम क्या कह सकते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फेस्टिवल में एंट्री मिली है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में एंट्री मिली है, जिसका नाम क्या है, नाम आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, नाम बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है? तो नाम आप, नाम जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं इसका नाम क्या है, नाम है कारखिनी खांची वारी एसेंजो ऑन ए रोड ट्रिप। ये इस फिल्म को टोक्यो में फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है? तो आपको यह सब, ये सारे चीज आपको याद रखना होगा। लेकिन ये जो एक मराठी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है मंगेश जोशी, और इसे ही टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ने से सवाल हमारा पास क्या हो गया, यहीं पे एंड हो गया, क्योंकि आज हम सिर्फ 20 सवाल हुई, जो जीके के 20 ही सवाल आपको लेके आते हैं, तो 20 ही सवाल आज के ये लास्ट हो गए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।